नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ देवघर के नौलखा मंदिर में, जहाँ पर कि माँ की आराधना जो है वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। और कहा जाए तो यहाँ सभी जगह जो है जो देवघर में पूजा होती है वो सप्तमी से माँ अपनी स्थान पर विराजमान होती है, लेकिन नौलखा मंदिर में जो है वो पहले पूजा से ही माँ अपनी अपने स्थान पर स्थापित हो जाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि आज ही के दिन यानी पहला पूजा को माँ का जो प्रतिमा है वो अपने स्थान पर स्थापित हो गया है। ये पूजा जो है करीबन 125 वर्षों से होते आ रहा है। यहाँ के जो पहले गुरु थे मोहनानंद ब्रह्मचारी जी, वही इस पूजा को शुरू भी किए थे। और कहा जाता है कि यहाँ की जो पूजा है वो वैदिक विधि विधान से की जाती है। और मैं यहाँ के जो गुरु अभी हैं उनसे बात करूँगा, तो चलिए मैं उनके पास चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ कुमारी कन्या के भी पूजा किया जाता है, माँ की आराधना के साथ कुमारी कन्या जो है उसकी भी पूजा होती है। देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन के माध्यम से कि कुमारी कन्या जो है वो आप आज जो यहाँ के जो गुरु हैं वो पूजा करते हैं। तो अब यहाँ से जो है वो यहाँ से जाके माँ के ऊपर स्थापित होगी पहुँच। स्क्रीन के माध्यम से मैं देखा रहा हूँ कि यहाँ जो है माँ के मंडप को बांधा जाता है धागा के द्वारा। साथ ही देख सकते हैं कि ये जो है ये जो यहाँ गाय का बच्चा है वो भी आज माँ के साथ जो है पूजा की जाती है। देख सकते हैं बाबा जो है और कुमारी कन्या जो है उनका भी पूजा किया जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो पहले बालानंद ब्रह्मचारी जी थे और ये मोहनानंद ब्रह्मचारी जी हैं, इनका तस्वीर इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है ये माता की पूजा स्थापित की जाती है। देख सकते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी जो है यहाँ पर पूजा कराने आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विधि विधान है वो वैदिक विधि विधान से पूजा की जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ की जो पूजा है स्वास्तिक पूजा होती है और यहाँ करीबन 11 पंडितों के द्वारा ये पूजा होती है, कुमारी कन्या की पूजा होती है। कि ये परिक्रमा हो रही है, माँ का आराधना हो रही है और वो करीबन 5 बार जो है माँ का आराधना करते हैं। इस परिक्रमा किया जाता है 11 बार किया जाता है, कुमारी कन्या जो है वो भी इसमें अपने परिक्रमा करती है, माँ का आराधना करती है। माँ के स्थल प्रतिमा स्थल के पास कुमारी कन्या का जो है वो आज प्रवेश है, प्रवेश हो रही है और इसके साथ ही मंदिर के द्वारा यहाँ के जो स्थान है उनको जागृत करते हैं। यहाँ के जो ब्राह्मण समाज है वो आते हैं यहाँ पर, पूरी विधि विधान वैदिक विधि विधान के साथ यहाँ पूजा होती है। और बताया जाए ये पूजा कितने दिनों से हो रही है, यहाँ पर क्या विधि विधान है? ये पूजा तो बहुत दिनों से चले आ रही है, ये हमको भी पता नहीं है, संदीप बाबा को पता है। लेकिन यहाँ जो पूजा होता है ये प्रतिपदा के ही द्रोश से माने भगवती देवी वेदी पर चढ़ जाती हैं और उसके बाद यहाँ उनका 16-50 नित्य पूजा होता है। 16-50 पूजा होने के बाद नित्य कुमारी पूजा होता है। नित्य कुमारी, आज एक कुमारी की पूजा हुई तो कल 2, परसों 3, ऐसे ही करके कुमारी की संख्या भी बढ़ते ही जाएगी। 9वीं दिन 9 कुमारी की पूजा होगी।
तांत्रिक विधि से यहाँ पूजा होती है और पूजा में सबों का सहयोग, सब शिष्य भक्तों का सहयोग रहता है। सब भगवती जगदम्बा सबको, सब शिष्य भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे संदीप बाबा जो हैं ये तन मन से इनकी सेवा में लगे रहते हैं और फिर शिष्य भक्त भी आते हैं, उनकी भी देख रेख करनी होती है, तो इसीलिए इनका प्रतिनिधित्व एक बैठते हैं, वो सुरेश जी हैं, वो बैठते हैं। पहले यहाँ पर बालानंद ब्रह्मचारी जी इनको स्थापित किए, उनके बाद मोनानंद जी आए, अब अभी बाबा का नाम क्या है? अभी संदीपानंद ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं सारा व्यवस्था, पूजा वूजा में नहीं बैठ पाते हैं। अपना नाम बताइए। कपिल देव मिश्रा। बाबा बताया जाए कि ये जो पूजा है कितने दिनों से हो रही है। हम जैसे कि हम सब देवघरवासी हम जानते हैं कि पहले यहाँ बालानंद ब्रह्मचारी जी आए, उसके बाद मोनानंद जी आए, फिर आप आए। ये पूजा कितने दिनों से हो रही है, क्या विधि विधान है, क्या यहाँ का संस्कार है? 1941-42 से पूजा शुरू हुआ है, 1941-42 से। ये नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, नवरात्रि को ये माँ वेदी पर पहली पूजा से ही स्थापित हो जाती है, जबकि सब जगह सप्तमी से वहाँ षष्ठादि कल्प आरम्भ होता है। हम लोग को नवम ये प्रतिपदादि कल्प आरम्भ हम लोग को है, परंपरा से ही चल रहा है। उन लोग को सप्तमी से पूजा होता है, हम लोग को आज से शुरू हुआ, इसीलिए आज से वेदी। लेकिन आज घट में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सप्तमी का दिन माँ का मूर्ति में ये होगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होगा। लेकिन ये परंपरा से पहले दिन से वेदी में माँ को रखा गया, क्योंकि इसको बाद बाहर का आदमी तो भीतर घुसेगा नहीं, इसीलिए अभी से ये हो रहा है, ये गुरु परंपरा के अनुसार चल रहा है। मैं आपको अभी तक जो दिखाया नौलखा का जो मंदिर है, यहाँ माँ की आराधना होती है और ये करीबन जो है बहुत प्राचीन, अति प्राचीन आराधना होती है। तो मैं यहाँ से अब आपको यहाँ से विराम देता हूँ और मैं बबलू शाह 22 को न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ।